रेवाड़ी में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी कृष्ण लेखारा ने एक बार फिर सोनिया गांधी के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की पुरजोर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रदेश की कमान युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा को अगर सौंपी जाए तो कांग्रेस हरियाणा में मजबूती के साथ एक बार फिर से उभर कर आएगी और 2024 में जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान प्रभारी कृष्ण लखेरा इस वक्त हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं पांच राज्यों में मिली करारी हार के बाद पार्टी में क्या कुछ मंथन चल रहा है। कृष्ण जी, आपका हर खबर हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार जी। तो क्या कहेंगे, जिस तरह पांच राज्यों में चुनाव हुए, एक नेशनल पार्टी कांग्रेस और वो पांचों राज्यों में हार हुई है उसी करारी, और उसके बाद पार्टी में क्या कुछ मंथन चल रहा है पार्टी को आगे उभारने के लिए। हमारी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है श्रीमती सोनिया गांधी, उस पर अभी CWC की बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस के सभी नेता शामिल हुए थे, जिसमें से करारी हार का एक मंथन ये है कि हमारे सारे राज्य के अंदर कांग्रेस के जो संगठन है वो बहुत कमज़ोर था। उन संगठनों में निचले स्तर पर किसी भी कार्यकर्ता ने मोटिक से काम नहीं किया, जिनके कारण हमारी कांग्रेस की हार हुई है। जिसमें से यूपी सबसे बड़ा था, जिसमें हमारे को 2 सीट मिलना, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कांग्रेस पार्टी कभी सत्ताधारी पूरे देश पर राज करती थी, आज वो निचले स्तर पर 2 सीटें आने से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है और आज कांग्रेस की गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि 23 के नेता कांग्रेस संगठन पर भी बात उठा रहे। बात उठाना भी लाजमी है क्योंकि काफ़ी समय से हमारी सोनिया गांधी जी 20 साल से कंटिन्यू राष्ट्र की अध्यक्ष हैं, अब कांग्रेस का संगठन का विस्तार करना चाहिए और इस पद से इस्तीफा देकर युवा चेहरे को आगे लाना चाहिए जो कांग्रेस का संगठन भी चलाए और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बने। जिस तरह से माना जा रहा है कि जैसे आप हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में जो चल रहा है अभी, मान लो अभी जिस तरह से चल रहा है कि हरिवाल में हरि रेजिमेंट की मांग की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता है या फिर बीजेपी के लीडर हैं, हरिवाल के नेता हैं, वो कोई सामने भी नहीं आ रहे। हमारे कांग्रेस का हरियाणा में संगठन बने हुए भी कम से कम 10 साल हो गए। इससे पहले अशोक तंवर जी थे, 7 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। शैलजा जी हैं, वो 3 साल से लगातार कंटिन्यू है, पर डिस्ट्रिक्ट का आज तक कोई अध्यक्ष नहीं बना, प्रदेश की कोई कार्यकारिणी नहीं बनी, ना ही कोई कार्यकारिणी की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है ना प्रदेश के। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस भी है और कांग्रेस पार्टी के प्रति अब उनकी भावनाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आ गई है, जिससे कांग्रेस का संगठन कमजोर है। कांग्रेस का संगठन हमारे हरियाणा में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हुड्डा एक युवा चेहरा है, वो ही कुछ कांग्रेस के अंदर बदलाव कर सकता है और कांग्रेस पार्टी को उभार भी सकता है। और रही अहिर रेजिमेंट की मांग, अहिर रेजिमेंट बहुत पुराना मुद्दा है, अहिर रेजिमेंट बननी भी चाहिए क्योंकि ये हमारा दक्षिणी हरियाणा का हक भी है, पर इसके लिए एक हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है वो केंद्र के अंदर भी बैठी है और स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों के अंदर सरकार है, अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में बनवा सकते हैं। वो अगर भाजपा नहीं बनाती है तो उनको इस्तीफा दे के समर्थन के बीच में आना चाहिए और हमारे दक्षिणी हरियाणा में साथ रहना चाहिए। अब ये ऊपर का जो लोलीपॉप करते हैं जनता के बीच में समर्थन दियाना कि अहिरे में बननी चाहिए, तो इससे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा करते हैं। हमारे कहने का मतलब है दक्षिणी हरियाणा के लीडर को इस्तीफा देकर समर्थन करना चाहिए। आपने एक बात कही है कि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को एक चेहरा बनाना चाहिए जैसे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हरियाणा के अंदर, लेकिन सुनाई में आ रहा कि दीपेंद्र हुड्डा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता है और बहुत ही समझदार युवा नेता है, वो ऐसी बात नहीं कह सकते। एक्चुअली में क्या है कि जो केजरीवाल आम आदमी में लोलीपॉप दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारी सरकार बनने जा रही है, और लुभाने वादे करते हैं, बिजली माफ, पानी माफ, एजुकेशन, ये थोड़ा दिन ही चलता है क्योंकि सरकार चलाने के लिए जो राजस्व चाहिए, पैसा चाहिए, वो तो लोगों के बीच में काम करेंगे जब भी पैसा मिलता है, पर कहीं ना कहीं जो आपने देखा है पंजाब में उनकी सरकार आई है, अब देखना है कि वो खुशकमान मुख्यमंत्री कितने दिन चलाते हैं। अभी शुरू शुरू का उनका जो झोंका है वो हवा की तरह है, ऐसा हरियाणा में केजरीवाल का कोई रोल नहीं रहेगा। तो
किसान कांग्रेस का आप राजस्थान के प्रभारी भी हैं, राजस्थान में क्या लगता है मुख्यमंत्री की सीट को लेकर, क्योंकि 5 राज्यों में करारी हार हुई है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर भी गाज गिर सकती है राजस्थान में। हाँ, वहाँ पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिसके समर्थन से सरकार आई थी वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी होंगे और युवा के चेहरे के लिए सबसे उपयोगी और जनता के बिलों में राज करने वाले हैं श्री सचिन पायलट। और राजस्थान में पिछली योजना के अंदर जो मेहनत करी थी वो सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में सरकार आई थी, कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं।